कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक जनसभा में कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के इस बयान के बाद इसकी खूब चर्चा हुई। अलग अलग प्रदेशों में सीएम योगी के बयान के पोस्टर भी लगाए गए। झारखंड महाराष्ट्र में चुनावी माहौल में सीएम योगी के इस बयान की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच आरएसएस ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अपना समर्थन दे दिया है। आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को समर्थन शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। शनिवार को मथुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अगस्त महीने में जन्माष्टमी पर आयोजित एक कार्यक्रम में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद इस नारे पर विपक्षी दलों ने जमकर बवाल काटा था। सबसे बड़ा विरोध तो सपा की ओर से हुआ, वहीं कांग्रेस ने भी उनके इस बयान का विरोध किया। लेकिन अब खबर है कि संघ ने उनके इस बयान का समर्थन कर दिया है। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि इसे हमें आचरण में लाना होगा। कुछ लोग हिंदू समुदाय को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए हिंदू समाज में एकता जरूरी है। सीएम योगी के इस बयान को हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त भुनाया था। उनके इस बयान की चर्चा तो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी हो रही। उनके बयान के होर्डिंग हर शहर हर गली मोहल्ले में लगे। एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू बाबा को बोले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आज कल के बच्चे में ऐसे आपने जो कहा तो हो सकता है। मुद्दा क्या है, सिर्फ यही है समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के बता दें कि बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे के दम पर बिखरे हिंदू वोटर्स को एक करना चाहती है। राम मंदिर के नारे पर जो ध्रुवीकरण हुआ उसका नतीजा हमारे सामने है। पार्टी की केंद्र में दो दो बार सरकार बनी, लगातार तीसरी बार भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। बीजेपी विपक्ष की जातीय गोलबंदी खासकर जातीय जनगणना का तोड़ निकालने के लिए इस नारे को जमकर भुना रही। वही इस नारे पर अब संघ के समर्थन के बाद बीजेपी के लिए ये मुद्दा और भी मजबूत हो गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।